तो भाई साहब इस साल की जो बिगेस्ट हाइप लेकर चल रही है कल की 2898 यानी अपनी प्रभास भाई साहब की इस मूवी के लिए कौन कितना वेट कर रहा है? भाई मैं तो बहुत उम्मीदों से वेट कर रहा हूँ और मेकर्स जो है अब जाग चुके हैं, थोड़ा कुछ थोड़ा सीरियस होने वाले हैं ये अपनी मूवी को लेकर, क्योंकि भाई साहब टाइम नज़दीक आ चुका है, 1-1.5 महीने बाद ये मूवी आ जाएगी। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा इन्होंने पोस्टपोन कर दिया तो इनको ही घाटा है, क्योंकि आगे बहुत बड़ी बड़ी मूवी लगी पड़ी हैं, बॉलीवुड से नहीं साउथ इंडस्ट्री से ही लगी पड़ी हैं, जो भर के ना कि सिर्फ टक्कर देंगी ओवरकम करके जाएंगी। और भाई साहब पुष्पा 2 द रूल अपने अल्लू अर्जुन के साथ सामने तो कोई आ मत जाना, वरना रौंद के चले जाएगा। चाहे आप प्रभास हो, चाहे आप कोई भी हो, सभी को वो मूवी रौंद के चले जाएगी, क्योंकि उस मूवी की हाइप बहुत बड़ी सेट हो चुकी है। लेकिन कल की 2898 की बात करें तो आज शाम के 7:15 के आसपास हमें कुछ बहुत बड़ा देखने को मिल जाएगा। तो क्या टीजर देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन के पोस्टर के साथ इन्होंने कल ये चीज़ रिवील आउट करी थी और 5 भाषाओं में ये रिवील आउट किया था कि समय आ गया है, जिसमें से मुझे एक ही भाषा समझ में आई, समय आ गया है। काहे का समय आ गया है भाई, देखा जाए तो फैंस की क्या डिमांड है यहाँ पर, फैंस की डिमांड है कि भाई कुछ लाओ, मतलब कुछ क्या टीजर लेके आओ, क्योंकि हमें जानना है भाई मूवी में आखिर क्या मिलने वाला है। लोग बहुत प्रिडिक्शन थ्योरी सेट करके बैठे पड़े हैं कि भाई मूवी जैसे तैसे हमें बस कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी अपडेट मिल जाए जिससे हम प्रिडिक्ट कर जाए। लेकिन भाई एक चीज़ और इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी कि प्रील्यूड निकालेंगे, यानी एक एनिमेटेड टीजर निकालेंगे मूवी के आने से पहले। तो क्या 7:15 पर एनिमेटेड टीजर देखने को मिल जाएगा आज अपने को? क्योंकि बात अगर करें इस मूवी से जुड़ी 2 बड़ी अपडेट की, तो भाई साहब इस ही चीज़ के लिए लोग वेट कर रहे हैं, और यही चीज़ अगर लोगों ने नहीं, मतलब अगर मेकर्स ने नहीं निकाली तो भाई कोई मतलब नहीं बनता है कि इतना पहले, एक दिन पहले से आप ढिंडोरा पीट दो और उसके बाद आप टीजर भी ना निकालो और प्रील्यूड या इसमें से कोई भी एक चीज़ ना निकालो। भाई दोनों में से कोई भी आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, पता तो लग जाएगा कि आखिर मूवी में क्या मिलने वाला है। जिस हद तक की ये डींगे हाँक रहे हैं, जिस हद तक की ये प्रोमिसज दे रहे हैं, क्या ये सारे प्रोमिसज उतने ही खरे हैं? क्या बीजेपी की तरह ये भी तो उतने ही खोखले नहीं है जैसे उन्होंने किए थे? भाई इसके लिए वेट है। बाकी अमिताभ बच्चन का ये डेडलीस्ट पोस्टर कैसा लगा, ये नया कर, मतलब उनका जो लुक देखने को मिल रहा है, कैरेक्टर देखने को मिल रहा है मूवी में, ये किस किस को पसंद आ रहा है? भाई मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये एक गाइडर के रूप में भी आने वाले हैं, ये एक डायरेक्शन देने के रूप में भी आने वाले हैं मूवी में अपने कल्कि को, यानी अपने प्रभास को, क्योंकि प्रभास के बहुत से 4-5 कैरेक्टर होने वाले हैं और उन्हें समय समय पर कोई ना कोई मतलब गुरु आएगा जो उनको ज्ञान देगा, उसको सही दिशा दिखाएगा, किसको मारने के लिए, कलि को मारने के लिए। और ये भी एक कहीं पर सुनने में आया था कि भाई जब लास्ट में मूवी के जो फर्स्ट पार्ट है इसमें जब एंडिंग पहुंचेगी तो अमिताभ बच्चन को आना पड़ेगा बीच में उसे बचाने के लिए, किसको, कल्कि को बचाने के लिए, क्योंकि कल्कि उतना प्रिपेयर नहीं हो पाएगा कलि से लड़ने के लिए और उन्हें आना पड़ेगा, जिस वजह से उनकी मौत भी हो सकती है। तो भाई कौन कौन वेट कर रहा है आज के लिए कि क्या मिल सकता है? फिलहाल प्रील्यूड के लिए ही उम्मीद है कि शायद प्रील्यूड मिल जाए। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना अपना एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन कि क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। दूसरा, इस मूवी के लिए कितना वेट है आप लोगों को, और भी इससे जुड़ी कोई और बातें हैं आपको पता तो नीचे हमारे साथ जरूर शेयर करके जाना। बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे, जय हिंद।